हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मॉनसून आ ही गया है, तो ऐसे में आप प्लांट की कलेक्शन बढ़ा सकते हो। तो कौन कौन से प्लांट आपको जुलाई अगस्त में लेने चाहिए, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सामने देखिए कितने सारे प्लांट रखे हुए हैं और सभी ही इस मौसम में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। मैं आज रजनीगंधा प्लांट की सिंपल सी मिट्टी में आज रिपोर्टिंग भी करूंगी। अभी आप बारिश के टाइम में आप अच्छे से प्लांट की प्लांटिंग भी कर सकते हो। कोई भी प्लांट आपका शॉक में नहीं जाएगा और सभी 100% लग भी जाएंगे। तो आप ऐसे परमानेंट प्लांट खरीदें जो कि सालों साल आपके गार्डन में एक से दो होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और अभी वो ख़राब नहीं होंगे, कोई भी उसको रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा। प्लांट तो आप देखकर समझ गए होंगे जो कि परमानेंट है और बहुत ही कम कीमत पर मैं लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको वो है रजनीगंधा का प्लांट। ये देखिए, ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है और अभी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। अगर आपको नर्सरी वाले कहते हैं तो आप ले आते हैं उठाकर, लेकिन आप अभी फूलों की स्टिक देखकर भी प्लांट को आप ला सकते हो। ये डबल पेटल के, मैं बगल में पिक्चर ऐड कर दूंगी, ये डबल पेटल के रजनीगंधा है और देखिए इसमें स्टिक निकल रही है, आने ही वाली है। और अभी रजनीगंधा का सीजन है और बहुत हेल्दी प्लांट मुझे मिला है। मैंने दो प्लांट लिए हैं और दोनों ही काफ़ी हेल्दी है, तो ये 50 रुपीज़ में दो प्लांट मैंने लिए हैं, अच्छे खासे ग्रो बैग में है। ये दूसरा है और ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और मैं एक प्लांट मैं इसके पास से यही लेकर आई हूँ जिसमें अभी फ्लावरिंग होने ही वाली है, स्टिक आ गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए हैं और ये सस्ते भी मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। मैं तो दो लेकर आई हूँ 50 रुपीज़ में, ऐसे इसका दाम 40 रुपीज़ उन्होंने कहा था, लेकिन मैं वहाँ से प्रायः प्लांट लेती रहती हूँ इसलिए उन्होंने कम कर दिया है। नेक्स्ट जो प्लांट मैं लेने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत सुप प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है, उसको ज़रूर आप लीजिए। अभी आपको फूलों सहित मिलेंगे। ये देखिए, ये है अपराजिता का प्लांट और ये डबल पेटल में मुझे चाहिए था वाइट कलर में। इसके जो फूल होंगे, मैं बगल में सभी का फूल आपको स्क्रीन में शो कर दूंगी। मैं अपने वीडियो में ये काम जरूर करती हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि कैसी फ्लावरिंग होगी, स्क्रीन में सभी पौधों के फ्लावर्स को शो जरूर कर देती हूँ, नाम भी शो कर देती हूँ और प्राइस भी शो कर देती हूँ। रोज़ के टाइप का इसमें फ्लावर्स आएंगे और वाइट कलर के ये है, ये मुझे मिला है 20 रुपये में। ऐसे मेरे पास ढेरों अपराजिता के प्लांट है। आप अभी अपने पौधों के प्लांटर को झांकेंगे तो अपराजिता की प्लांट की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसका एग्जांपल। ये देखिए, ये डबल पेटल के ब्लू वाले अपराजिता के सीड मैंने लगाया था और कोई नर्सरी से मैं ऐसे ही सीड तोड़कर ले आई थी और वही लगा हुआ, और देखिए कितने सारे प्लांट हो गए, अपराजिता के प्लांट है। ये सब प्लांट के यदि आप 40 रुपये 50 रुपये पे कर रहे हो तो बहुत ही बेकार है, ऐसे मत कीजिए। आप लोग अपने घर में सीड लगाइए और प्लांट रेडी कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है आप देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्लांट है, ये है गंधराज का प्लांट। और मेरे पास ऑलरेडी गंधराज के प्लांट है, लेकिन लालच ऐसी कीमत पूछिए। तो ये देखिए, इसमें कलियां आई हुई है और गंधराज के प्लांट को ग्रो करना बहुत ही टफ है। अगर गंधराज के प्लांट में सालों भर गंधराज के प्लांट आपके पास टिक गए तो आप सचमुच में बहुत अच्छे गार्डनर हैं। और डबल पेटल के हैं और बहुत अच्छी खुशबू इससे आती है। तो ये गंधराज मैंने लिया है, ये मैंने उसे दिया है 50 रुपीज़ और ये अच्छा खासा एक ग्रो बैग में है। देखिए रूट इसके बाहर आ गए हैं और अभी आप इसे रिपोर्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्लांट ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है उसे भी शुभ प्लांट के तौर पे माना जाता है,
और वो है मधुकामनी का प्लांट। कहीं कहीं उस प्लांट को मनोकामना के प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। इसकी तीन वैरायटी होती है। एक होती है बिल्कुल टेबल कामनी, जिसका पिक्चर मैं स्क्रीन में लगाती जा रही हूँ, टेबल कामनी। एक ड्रॉप वैरायटी की छोटे हाइट वाली मधुकामनी, और तीसरी होती है बड़े वाले मधुकामनी। तो ये सेकेंड वाले हैं, ये देखिए, और इसमें भी फ्लावर्स आ गए हैं। और बहुत अच्छे, अगर आपका ये प्लांट हेल्दी रहा, बहुत सुंदर से इसकी साइज आप मेंटेन करें, इसे सॉफ्ट प्रूनिंग करके बहुत अच्छी सी शेप दे दें, तो पौधे भर कर फ्लावर्स इसमें आते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा प्लांट है मधुकामनी। आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये सारे प्लांट मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ, सस्ते और परमानेंट प्लांट को ही दिखा रही हूँ। तो ये सब प्लांट की शॉपिंग आप जुलाई अगस्त में कर सकते हो, और बहुत अच्छे और सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। और ये भी एक ग्रो बैग में है। तो चलिए, रजनीगंधा प्लांट की मैं रिपोर्टिंग कर देती हूँ अभी सिंपल सी मिट्टी में। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो मिट्टी मैंने लिया है, इसमें है सैंड, सॉयल और काउडंग कंपोस्ट, और आपको कुछ भी नहीं लेना है। मिट्टी सूखी हुई डालें आप। रजनीगंधा के प्लांट को जब भी रिपोर्ट करें, आप थोड़ी सी अंदर करें गमले के नीचे से, ताकि स्टिक उसकी हेल्दी निकले और उसमें हेल्दी फ्लावर आपको मिले। इस तरह से देखिए, मैंने दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। अब बाकी सारे प्लांट की भी मैं प्लांटिंग कर लेती हूँ। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।